या माइनक्राफ्ट का एक ग्लिच किसी का बेस डिस्ट्रॉय कर सकता है? एंड द आंसर इज यस। वेट, व्हाट? ये किसने किया? ये सब कैसे हुआ? हमारी टीम का पास में बनाया हुआ बेस किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और बाद में पता चलता है कि वो T7 ने किया था। T7 हमारी SMP की एक टीम है जो कि बाकी के प्लेयर्स को बुली कर उनको किल करती है। नाउ द क्वेश्चन इज, उनको हमारा बेस मिला कैसे? बेसिकली हमारा बेस स्पॉन ऑलमोस्ट 500 ब्लॉक्स दूर था एंड इस टीम का एक प्लेयर जिसका नेम क्रिपी है वो उसी डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा था जिस डायरेक्शन में हमारा बेस था। बट अभी आप सोच रहे होंगे इसको कैसे पता? बेसिकली हमारा बेस डिस्ट्रॉय होने के बाद उन लोगों ने हमारे SMP के प्राइवेट डिस्कॉर्ड पर कुछ पिक्चर्स सेंड करी थी और उसके बाद हम लोगों ने चैट और VC पर उनसे बात करी जिनसे हमको ये सब पता पड़ा। बट नाउ चलो ये सब ठीक है, ये वो उस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा था, बट उसको बेस मिला कैसे? बिकॉज हमने तो अपना बेस अंडरग्राउंड किया था। वो अभी आप ये समझो, अगर हम माइनक्राफ्ट में टेलीपोर्ट या फ्लाई करते हैं तो हमारे वर्ल्ड के कुछ चंक्स लोड होने में टाइम लगाते हैं और ऐसे ही जब वो हमारे बेस के ऊपर से फ्लाई कर रहा था तब उसको हमारे बेस में प्लेयर्स के पैर दिख गए जिससे वो वहीं रुककर नीचे माइन करने लग गया और उसको हमारा बेस मिल गया। बट उसको बैर से दिखे कैसे? बेसिकली ये एक माइनक्राफ्ट का क्लिच था जिससे उसने हमारा बेस डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट हमको भी अपना रिवेंज लेना था तो हम सब टीम मेंबर्स अपनी अपनी तैयारी करने लग जाती। बट जैसे ही मैं SMP ज्वाइन करता हूँ तभी मेरी इन्वेंटरी क्लियर हो जाती है एंड यहाँ तक कि मेरी HP क्लियर हो गई थी और यहाँ तक कि एक एक करके सभी SMP मेंबर्स की इन्वेंटरी क्लियर हो रही थी और इस प्रॉब्लम के लिए हमने ओनर से भी बात करी थी बट वो कहता है कि मैंने तुम्हारा प्लेयर डेटा क्लियर नहीं करा। लेकिन अभी भी क्वेश्चन है, एक एक करके सभी SMP प्लेयर्स की इन्वेंटरी क्लियर कैसे हो रही है? उसमें कुछ तो वजह ही होगी ना इसके लिए। बट बाद में हमको पता चलता है कि ये भी एक माइनक्राफ्ट का क्लिच था।